इस वीडियो में जो हमारा टारगेट आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का है कि हम यूज़र से एक नंबर मांगेंगे जो कि टेम्परेचर होगा सेल्सियस में, हमें उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। और फिर उसी इसी प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में, हम यूज़र से टेम्परेचर मांगेंगे फ़ारेनहाइट में और उसको कन्वर्ट करेंगे हम सेल्सियस में। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। आपको अगर सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हो तो आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में दिया हो तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए प्रोग्राम बनाने में तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे एक जो चैलेंजिंग टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि आउटपुट को कुछ इस तरीके से प्रिंट करना। तो चलिए अपने कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब इस प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल चाहिए? हमें वेरिएबल बस दो ही चाहिए कि हमें यूज़र जो टेम्परेचर देगा एक बार सेल्सियस में देगा हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और एक बार फ़ारेनहाइट में देगा हमें उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरे प्रोग्राम में दो ही वेरिएबल यूज़ होगा। पहला वेरिएबल होगा सेल्सियस नाम का और दूसरा वेरिएबल होगा फ़ारेनहाइट नाम का, ठीक है? और दोनों ही वेरिएबल फ्लोट टाइप के हम लेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जनरली डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है, तो इसीलिए हम दोनों ही वेरिएबल फ्लोट टाइप के ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे एंटर करने के लिए टेम्परेचर। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं, पहले अपने आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट के हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम टेम्परेचर सेल्सियस से मांगेंगे, ओके? तो इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ओके? हमने यूजर से टेम्परेचर जो है सेल्सियस में मांगा। अब यूजर ने जो टेम्परेचर दिया उसको रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनएफ यूज करना पड़ेगा। तो हमने स्कैनएफ फंक्शन लिखा और उसमें हमने, अब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। हम यहाँ पे लिखेंगे एम परसेंट, वेरिएबल किस वेरिएबल में रखना है, सेल्सियस नाम के वेरिएबल में, ओके? सेल्सियस नाम के वेरिएबल में रखना है। तो हमने यहाँ पे यूजर से मांगा टेम्परेचर सेल्सियस में और हमने उसको रिसीव कर लिया, उस वेरिएबल की वैल्यू को सेल्सियस में। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, जो हमें सेल्सियस में वेरिएबल मिला है उसको कन्वर्ट करना है हमें फ़ारेनहाइट में। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, है ना? एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला दिया हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना हो, ठीक है? दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको ये फॉर्मूला दिया होगा। तो अब इससे क्या होगा, ये लिखने से हमें सेल्सियस की वैल्यू पता है, ये कैलकुलेशन हो जाएगा और हमें जो टेम्परेचर होगा वो हमें फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है आउटपुट कि कितने सेल्सियस इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट, ओके? तो हम एक बार देख लेते हैं आउटपुट हमारा कैसा है, कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है उतने सेल्सियस इज इक्वल टू जो आंसर आया है उतने फ़ारेनहाइट। तो परसेंटेज डी सेल्सियस इज इक्वल टू, सॉरी परसेंटेज डी नहीं ना, हमने क्या लिया है, हमने परसेंटेज एफ, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर आएगा वो फ्लोट में आएगा। तो परसेंटेज परसेंटेज एफ, फिर हमें यहाँ क्या करना है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ओके? तो ये हमारा दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। अब हमें बताना है कि जो हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करने वाले हैं वो क्या है। तो हम लिख देते हैं कि हम सेल्सियस नाम की वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहले सेल्सियस लिख देंगे, उसके बाद हम फ़ारेनहाइट नाम की वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके? तो इससे हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। हम यहाँ पे एक स्लैश एन कर देते हैं ताकि
अगला जो हो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम रन किए प्रोग्राम को, प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें ये आउटपुट स्क्रीन मिली। इस आउटपुट स्क्रीन में हमने टेम्परेचर इंटर किया, मान लीजिए 56, तो हमें आउटपुट मिल गया 56.00 सेल्सियस इक्वल टू इतना फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, ये नई बात है, आपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया है। मान लीजिए कि आपको डेसिमल के बाद दो ही प्लेसेस तक आंसर चाहिए, आपको डेसिमल के बाद दो ही प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ पे आंसर प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज और एफ के बीच 0.2 लिख दीजिए। 0.2 का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद हमें दो प्लेसेस तक ही आंसर चाहिए, ठीक है, 0.2 यहाँ भी लिख देंगे हम, तो हमें डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक ही आंसर चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। हमें क्या करना है, अब इस प्रोग्राम को, अब हमने एक चीज में एक चीज कर लिया है, सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट निकाल लिया, तो अब हमें अगला क्या करना है, हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना है। लगभग सेम प्रोग्राम रहेगा, तो हमने उसे कॉपी कर लिया। अब जहाँ जहाँ सेल्सियस है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ फ़ारेनहाइट करना है, तो हम यहाँ से फ़ारेनहाइट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको स्मार्ट वर्क करना है, जब आपको ऐसा काम मिले जिसमें आपको रिपीटेशन करना है, तो आप बिल्कुल भी है ना मेहनत करने में परेशान मत होइए, आप तो जो शॉर्टकट है वो करिए, है ना। हमें अपना दिमाग जो है वो लगाना है लॉजिक सोचने के लिए, ना कि है ना कॉपी पेस्ट करने वाले काम के लिए दिमाग नहीं लगाना है, आपको फटाफट कॉपी पेस्ट करना है और आपको आगे काम करने जो आपको ज़रूरी है करने। तो आपने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, आपको फ़ारेनहाइट पता है, आपको सेल्सियस निकालना है। यहाँ भी आप सेम चीज़ करेंगे, जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेल्सियस कर देंगे, जहाँ पे सेल्सियस है वहाँ पे आप क्या कर देंगे, फ़ारेनहाइट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको फटाफट कॉपी कर देता हूँ, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल्सियस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, पहले आपको फ़ारेनहाइट करना है, तो आपने यहाँ से कॉपी किया और इसको, काफ़ी इजी प्रोग्राम है, अगर आप थोड़ा सा भी आप फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, देखिए बस फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ा और बाकी हमें कुछ नहीं करना पड़ा। एक चीज़ मैं यहाँ कर देता हूँ, जो मैंने थंबनेल के लिए जैसा मैंने बनाया था, मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, है ना, 9 इंटर द टेम्परेचर। क्यों 9, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आपका आउटपुट आया। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं, मान लीजिए मैंने 56 एंटर किया, तो हमें क्या मिल गया, 56 सेल्सियस इज इक्वल टू 132 फ़ारेनहाइट। अब मान लीजिए कि हमें अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में एंटर करना है, मैंने कोई भी नंबर एंटर किया तो हमें उतने फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होंगे हमें वो मिल गया आउटपुट में, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, काफ़ी ईजी था, है ना, मुझे नहीं लग रहा कुछ टफ था इसमें। अगर आपको टफ लग रहा है तो प्लीज़ आप इस पुराने वीडियो फिर से देखिए और थोड़ा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था ये। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, अभी भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।